पंजाब व हिमाचल की जिला बिलासपुर की सीमा में प्रवेश करते ही पर्यटकों का स्वागत हिमाचल में बड़े बड़े खड्डे कर रहे हैं। कुल्लू मनाली की हसीन वादियों में बर्फ का नजारा लेने वाले पर्यटकों और धार्मिक स्थल मणिकर्ण साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग परेशानी का सबब बना हुआ है। रोजाना लग रहे जामों के कारण भी लोग 3 से 4 घंटे तक यहाँ परेशान रहते हैं। सड़क पर पड़े खड्डों के कारण जहां एक ओर गाड़ियों की रफ्तार धीमी होती है तो वहीं जान जोखिम में डालकर ये लोग सफर कर रहे हैं। किसानों और स्थानीय लोगों ने सरकार को कई बार चेताया है मगर आज तक इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। इसी मुद्दे पर लोगों ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर सड़क का काम शुरू नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। किसान सभा सरकार की स्थिति का बड़ा जबरदस्त विरोध करता हूँ कि ये सड़क है जिससे हजारों ट्रक जाते हैं, बसें जाती हैं, ये सुबह का जाम लगा हुआ है। तमाम जनता अपने जो किसी कार्यों के लिए बिलासपुर और मंडी जाने वाली है और तमाम कीर्तपुर साहब तक रुके हुए हैं। तो मैं ये मांग करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इमीडिएट इस सड़क का जो निर्माण करे उसको पूरा करे, वरना हिमाचल प्रदेश किसान सभा शीघ्र इसका विरोध करेगी जोरदार और यहाँ जाम लगाएगी, जिसके लिए सरकार हिमाचल की और केंद्र की जिम्मेवार होगी। तक रोड का इतना बुरा हाल है कि सड़क नहीं है, गड्ढों में सड़क है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि रात से 12 बजे से आज 12 बजे से जाम लगा हुआ है और 10 बजे तक कोई जाम नहीं खुला था और 3-4 गाड़ियाँ जो उनके पटे उनके और कल पुर्जे जितने भी सारे खराब हो चुके हैं और जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे ऑफिस में जाने वाले जो भी बंदे हैं वो सब यहाँ पर रुके हुए हैं। कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, कोई बिलासपुर जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, सारे जाम में फंसे। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, हिमाचल सरकार से मांग करता हूँ कि कैंची मोड़ से लेकर गरा मोड़ तक इस रोड को तार पोल बिछाया जाए ताकि लोगों को जो समस्या है उसका हल हो सके।